हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी के जो अलग अलग प्रीलिम्स हो चुके हैं उनके डिस्कशन। तो गाइज, इस सीरीज का नाम है हाउ आई स्कोर्ड 142 इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। बट इसमें हम लोग जो है वो 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, 2019, 18, 17, 16 और 15। तो गाइज, इसमें हमारे ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा प्रीलिम्स 2019 का पार्ट 1 में हम लोगों ने पहले 50 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए। उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने दूसरे आपके डिस्कस किए, जो आपके 51 टू 100 जो क्वेश्चन रहते हैं 2019 के, एंड देन 2018 के भी हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो 2 अलग अलग लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आपको ये प्रीवियस 5 ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर डिस्कशन में आपको क्लियरली एकदम सारा का सारा जो है मैंने एकदम अच्छे से प्लेलिस्ट मेंटेन करके रखी हुई है, उसको आप लोग हो सके तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि जो कल मैंने शर्त रखी थी कि मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट जो है वो लगने वाले हैं तो ही मैं लेक्चर लेने वाला हूं, तो गाइस वो शर्त आप लोगों ने कंप्लीट कर दी है, तो थैंक यू सो मच। और इसका मतलब है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं ये कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो अब आप लोग इसके बारे में टेंशन मत लीजिए कि 2015 तक मैं लूंगा या नहीं लूंगा। मैं पक्का सारा का सारा जो है पेपर का डिस्कशन इसी तरीके से, जिसमें आपको टिप्स बता रहा हूँ, सोर्सेस बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स कौन सा था, उसका क्या लॉजिक यूज करना चाहिए था और क्या बुक्स वगैरह आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैनर में सीखने वाले हैं। आप सबको पता है कि हम लोग हर एक सेशन में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो आज के सेशन में हम लोग 2017 के फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, इसी के साथ में मैंने एक और चीज जो है वो आजकल शुरू की हुई है, तो कि मैं यूपीएससी की जो फाइनल आंसर की है वो आजकल आपको लगा के दे रहा हूँ अपने, यू नो, जब आपका कोई भी क्वेश्चन शुरू होगा उसके जस्ट पहले से, ताकि अगेन आप लोग जो है वापस से रीवेरीफाई कर सको कि यही आंसर है करके। तो इतना करने के बाद में हम लोग एक बार वापस से मेन मुद्दे पे आप लोगों की चर्चा लेके जाते हैं। तो गाइज, थैंक यू सो मच जो भी आप लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, और ये कमेंट्स पढ़ने के बाद में अच्छा भी लगता है। तो गाइज, ऐसे ही प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, जितना आप लोग कमेंट करते रहोगे उतना मेरे वीडियोस को ट्रैक्शन मिलेगा और उतना ही मैं भी खुश होते रहूंगा। तो जितना मैं खुश होऊंगा उतनी खुशी से मैं आप लोगों के वीडियोस बनाऊंगा, उतनी ताकत से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो प्लीज गाइज, जो भी यहाँ पे आ रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, बाहर देखो लाइव चैट में कमेंट नहीं करना है। लाइव चैट में तो आप लोगों के साथ में मैं बात कर ही रहा होता हूँ, लेकिन बाद में ये चले जाता है, ठीक है? तो आप लोग जो है वो बाहर मेन जो वीडियो है उस पे जाके आप लोग जो है वो कमेंट कीजिए। उससे 2 चीजें समझ में आएंगी, एक मतलब आपने वीडियो देखा है ये मुझे समझ में आएगा, और मुझे पता होगा कि भैया इस स्टूडेंट को क्या क्या और जरूरत है चीजों की और मैं वो दे सकता हूँ आपको टाइम टू टाइम। और दूसरी बात, अच्छी बात होती है मेरे वीडियो के ट्रैक्शन के लिए, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो पे कमेंट करो। ओके, छोटा ही क्यों नहीं, बट कमेंट जरूर करो कि अच्छा था, गुड वीडियो था। आपको इलैबोरेटली लिखना है वो भी आप लोग लिखिए, तो कमेंट करना आपको जरूरी है। ये तो मैं आप लोगों के लिए बोल ही रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है सब लोग कमेंट कीजिएगा। अब आप सबको वैसे मेरे बारे में पता है, बट बता दूं फिर भी, एचवी देसाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर में एज अ जॉइंट डायरेक्टर काम करता हूँ। मैं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर हूँ अनअकैडमी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपीएससी गाइड पर भी। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं सिमेंटेक में काम कर चुका हूँ। मेरा BAIT, LLB, MA इन हिस्ट्री एंड पॉल साइंस, UGC नेट JRF इन पॉल साइंस, MBA, ये सब मेरे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यूपीएससी की जर्नी की बात करें तो 2019 के प्रीलिम्स में मुझे 142 मार्क्स थे, 2018 में पॉलिटिकल साइंस में मुझे 296 मार्क्स थे। तो गाइज, मैं इसी के अलावा आप लोग एक मल्टीपल सब्जेक्ट सिखाता हूँ, जैसे करंट अफेयर सिखाना हो गया, या फिर आपके पॉलिटिकल साइंस की भी बैचेस में लॉन्च करता हूँ। GS2 में बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, और इसका मैं आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी लेके आया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा फोर्टे है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो भी लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 जो है हमारा, उस पर एटलीस्ट 50 से ज्यादा अगर कमेंट आएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स लीजिए और ओपन टू ऑल रखिए, तो ही मैं वो लेक्चर्स लेने वाला हूँ। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है आप कैसे करो। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी भी मैं सिखाता हूँ, बाकी ट्रैवलिंग मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शौक है, ऐसा बताऊंगा आपको। एचवी देसाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर का फाइनली यूपीएससी ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें आपका पूरा प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एज वेल एज आपका डेली आंसर राइटिंग, रेगुलर टेस्ट, पर्सनल मेंटरिंग, ये सब हम लोग एकदम मिनिमम रेट्स पे गाइज आपका, जिसमें एकदम सब कुछ हम लोग कवर करके दे रहे हैं। आपका आपका करंट अफेयर्स भी होगा, आपका ऑप्शनल भी होगा, तो हम लोग 4 ऑप्शनल जो है वो ऑफर कर रहे हैं
PSIR हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उसके बाद में आपका ज्योग्राफी हो गया एंड फाइनली नो वंडर एंथ्रोपोलॉजी होगा। तो ये चार ऑप्शन हम लोग यू नो ऑफर कर रहे हैं अगर आप लोग ये कर इन्फो दे दी है। एक बार वापस याद दिला दूं कि ये महाभारत के युद्ध में आपको क्या चाहिए, सिलेबस कवरेज, 100% सिलेबस कवरेज आपको करना ही होगा, आपके पास में ऑप्शन नहीं है। हो सके तो इवन मेंस के भी बहुत सारे टॉपिक जो है वो आपको लगते हैं प्रीलिम्स में भी। कामनेस एंड लॉजिक को कहीं पे भी नहीं छोड़ना है, सिंपल है। डिसिप्लिन और हैबिट को नहीं छोड़ना है, यही आपको जो है वो वॉर जिताने वाले हैं यूपीएससी के अगेंस्ट में। एंड नो डाउट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन क्यों करना जरूरी है, मैं आपको गाइज आज एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो 2015 में पूछा हुआ था, एज इट इज वापस से 2017 में पूछ लिया। तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही आपको हेल्प कर देते हैं कि भैया ये वाली चीज जो है मेरे से मिस हो गई थी और इसको मैं अच्छे से करके रखू करके। ओके, तो इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। बाकी आप सबको पता है टाइप ए के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पास में सिंगल आंसर होता है और उसको तो आप हर बार अटेम्प्ट करोगे ही, लेकिन सारे आपके हाथ में या सारे आपके हथेली पैसे ही नहीं दे दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, उनको हम टाइप बी क्वेश्चन बोलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन टाइप सी जो होते हैं उसमें आप तीन ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो, ऐसे क्वेश्चंस अगर हो सके तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और राम जाने क्वेश्चन या रशियन रूले वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अवॉइड करना ही बेटर होगा, बिकॉज ये आपको निगेटिव मार्क्स में लिखे जाते हैं। इसको मैं बोलता हूँ टाइप डी क्वेश्चंस। ओके, बाकी इन सब के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड हर बार यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन जब तक आप सारे के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर दो तब तक उसका करेक्ट आंसर टिक नहीं करना है। बिना सारे ऑप्शंस पढ़े आप लोग नहीं लगाओगे, ऑल एवरी एनी ओनली इन सब हाइपरबोलेज या इररिलेवेंट इलॉजिकल ऑप्शंस पे ध्यान दो। वल्नरेबल एंड डाउनट्रोडन को हर बार दिमाग में रखो, प्रिपरेशन करते टाइम में भी, एसे लिखते टाइम में भी, हर एक जगह पे आपको याद रखना है, और यूपीएससी का एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हर बार दिमाग में रखो। तो ये है यूपीएससी की 2017 की ऑफिशियल आंसर की, आप लोग इससे भी मैच कर सकते हो। तो ये मैंने सेट डी का आपको दिया हुआ है क्योंकि मेरे क्वेश्चन जो है वो सेट डी से आपके अरेंज है पूरे के पूरे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर वन आपका यू नो रिलेटेड है काकतीय किंगडम से। तो इसमें यूपीएससी आपसे पूछ रही है कि इंपॉर्टेंट सी पोर्ट जो है वो काकतीय किंगडम का कौन सा था, काकीनाडा है, मोतुपल्ली है, मछलीपट्टनम है या नेल्लरू है। तो अब इसमें या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता, क्योंकि सारे के सारे उसी तरफ में आते हैं। डी टाइप में जा सकता है या फिर ये ए टाइप में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है और तुम कितना अच्छे से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था मैं आपको बताता हूं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने मिशन काकतीय जो है वो लॉन्च किया हुआ था, बहुत सारे आर्टिकल्स ने कवर भी किया हुआ था। इनफैक्ट ये मैं वन ऑफ द एक हिंदू के आर्टिकल से ही सीधा का सीधा लेके आया हूँ कि उन्होंने काकतीय किंगडम के बारे में अच्छे से बताया हुआ था। इन्होंने बताया था कि मोतुपल्ली जो है वो काकतीय किंगडम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यू नो पोर्ट हुआ करता था। रुद्रमा देवी के बारे में भी यहाँ पे बोला हुआ है। तो ये आपका नो डाउट तमिलनाडु बोर्ड में भी अच्छे से थोड़ा सा रुद्रमा देवी वगैरह के बारे में दिया हुआ है। और दूसरी बात जो है वो आपके कभी कभी ऐसे जो मिशन काकतीय वगैरह जब लॉन्च होते हैं तो उसको ध्यान में रख के यूपीएससी ने जो है वो बनाया हुआ है। ओके, तो गाइज इसीलिए देखो कैसे कभी कभी कोई जो है इसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी काफी ज्यादा चलते थे उस टाइम पे। मुझे याद है जब मैं 2017 में प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे आपके यू नो इसके मिशन काकतीय के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते थे आपके हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पेजेस में। तो ध्यान रखिए ऐसे जब यू नो कनेक्शन आपका कहीं से भी कोई भी लगता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है काकतीय मिशन काकतीय, आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये काकतीय डायनेस्टी के बारे में कुछ पता है क्या अपने को, तो थोड़ा सा पूरा ढूंढ लीजिए और इसको पूरा निचोड़ दीजिए। तो निचोड़ने के बाद में आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मोतुपल्ली। तो या तो ये ए सेट टाइप ए में आएगा या फिर ये आपके टाइप डी में आने वाला है। ओके, या तो आपको चारों ऑप्शंस में से तुक्का मारना पड़ेगा, छोड़ दो बेटर है, अदरवाइज आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। मुझे आता था, मैंने मोतुपल्ली लगाया था और मेरा आंसर करेक्ट भी था। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, और क्वेश्चन नंबर टू अगेन इस बार यूपीएससी ने यू नो थोड़े से बाउंसर जो है वो अलग ही कैटेगरी के आपके डाले हुए थे। इसमें क्या थे आपके बाउंसर्स, इसमें आपके बाउंसर्स यू नो कोई भी रैंडम वेबसाइट पे जाके उन लोग उसके क्वेश्चन पूछ रहे थे, और ये कोई भी करंट अफेयर्स की किसी ना तो मैगजीन ने कवर किया था और ना ही हिंदू वगैरह ने इनको कवर किया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो या तो उसको लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करो, अदरवाइज इनको बेटर है आप लोग छोड़ दो। जैसे ये वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग देखो तो अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट,
इट इज इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन. आप सोचोगे मे बी है मे बी नहीं है, वी डोंट नो. इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट्स. तो भैया क्लाइमेट चेंज अलायंस ऑब्वियसली ये काम तो करेगा, मतलब टू को तो आपको करेक्ट देना ही होगा. ये तो भले ही यूरोपियन यूनियन कर रहा है नहीं कर रहा है आपको पता नहीं, बट टू तो आपको करना ही पड़ेगा. टू वाले ऑप्शन कौन से हैं आपके, ये है, मतलब थ्री ओनली को आप लोग एटलीस्ट कट कर सकते हो. अब हम लोग देखते हैं, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. भैया अगर यूरोपियन यूनियन उसको कर रहा है तो फिर ये इन लोग इसको क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ऐसा मैंने लॉजिक लगाया. ऐसा मैंने लॉजिक लगाया और मैंने यहाँ पे जो है इसका आंसर वन एंड टू ओनली दे दिया. तो मैंने जब थ्री को ऐसे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया तो उसके बाद में ये वाला आंसर बनता है. अगेन गाइज मैं नहीं बोलता हूं इसको कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करना ही चाहिए, बट मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बोला है कभी कभी आपको लॉजिक लेना होता है और लॉजिक के अलावा आपको रिस्क भी लेनी पड़ती है, बिकॉज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का सिंपल सा गेम है. अगर आप इसमें रिस्क लेते हो ये वाली, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि आपने इसको एलिमिनेट कर दिया है, या आप लोगों को इतना तो पता है कि आपका टू तो पक्का आंसर में आने ही वाला है, तो आपको पता है कि ये तो आपका होगा ही होगा, तो आपकी रिस्क जो है वो अब 33% में आपकी बनने वाली है. अब अगेन डिपेंड करता है आपका उस टाइम पे गट फीलिंग क्या बोल रहा है. मेरा गट फीलिंग बोल रहा था कि मे बी यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कुछ कर दिया होगा और जो मेरे से मिस हो गया होगा, तो इसलिए मैंने कर ही दिया उसको. इसके लिए इसका करेक्ट आंसर ए बनता है. तो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, तो उसके बारे में अगेन आप लोग जो है वो डिटेल में चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या हुआ था, 2007 में इसको लॉन्च किया था, क्यों किया था, एलडीसीज है और आपके जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए वगैरह किया था और बाकी सब चीजें इसमें क्लियरली दी हुई है. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे. क्वेश्चन नंबर थ्री अगेन वन ऑफ द बाउंसर है, कोई भी आपकी नॉर्मल बुक में इसको कवर नहीं किया हुआ है, बट इसके पहले यूपीएससी का पैटर्न जो है वो 2013 में चेंज हुआ था. 2013 के पहले आपको पता होगा कि दो पेपर हुआ करते थे, पेपर वन और पेपर टू. पेपर टू में एक्चुअली आप लोगों को एक ऑप्शनल जो है वो पहले ही सिलेक्ट कर लेना होता था, तो उस टाइम पे जो हिस्ट्री की जो लोग बुक जो यूज किया करते थे वैसी बुक में ये सब कुछ जो है वो कवर करके दिया हुआ है. तो हम लोग देख सकते हैं 2017 का, इवन मिशन काकतीया और उसका मोतुपल्ली जो है वो ये वाली बुक जो है कृष्णा रेड्डी की, टाटा मैक्रोथिल की, तो ये एक्चुअली यूपीएससी ऑप्शनल वाले जो है इसको फॉलो करते हैं. जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा उन लोग इसको फॉलो करते हैं. बाकी अगर आप मेरे से पूछो कि सर अब हम लोगों ने इसको पढ़ना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं. मैं बोलूंगा नहीं, सिंपल है, अब इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं. बट आप मेरे से सोर्स अगर पूछो कि इन सबको कहां पे कवर किया है, तो कृष्णा रेड्डी में इसको कवर किया हुआ था कि ये आपके सौतांत्रिक और समातिया जो है वो जैनिज्म के सेक्ट है क्या. आंसर इज नो, ये आपके बुद्धिज्म के सेक्ट है. मैंने आपको इसके पहले के भी जितने भी लेक्चर्स में उन सब में क्लियरली बोला हुआ है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म यूपीएससी का बहुत फेवरेट है. यूपीएससी ने ऐसा मानो कि आपको चैलेंज दिया हुआ है कि मैं हर बार बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तुम्हारे अंदर अगर दम है तो सॉल्व करके दिखाओ. और फिर वो आप लोग यहां से पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ रहे हो, एनआईओएस का मटेरियल पढ़ रहे हो, यहां से पढ़ रहे हो, कभी कवर करना मुश्किल होता है. तो थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, उसके अलावा आप लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकते. बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने इसका करेक्ट आंसर सर्वस्थिवादिन पे के बेसिस पे लगाया मैंने, तो सर्वस्थिवादिन जो है हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फिनोमिनन constituents of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form. तो उसका थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद में आपको समझ में आता है. सर्वस्थिवादिन मतलब क्या कि हर तरफ में वो रहेगा, ऐसा है वैसा है. तो मैं बोला यार ये स्टेटमेंट तो मुझे सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है, तो एक्चुअली मैंने सेकेंड स्टेटमेंट को करेक्ट मान लिया. अब मेरे ऊपर फिर अगर सेकेंड स्टेटमेंट को करेक्ट मानने के बाद में मेरे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो बी या फिर सी. मैंने बोला यार मेरे को नहीं पता है बट मैं सी लगा ही देता हूं. मैंने सी लगाया, मेरा गलत हुआ, नो डाउट मेरा गलत हुआ. बट गाइज इसका करेक्ट आंसर जो है वो था आपका बी. अगेन बिकॉज आई डिड नॉट नो कि ये सौतांत्रिक जो है और ये आपके समतिया जो है ये जैनिज्म के ही है क्या. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बाद में आंसर लगाने के बाद में मुझे लगा कि यार ये दांत्रिक वांत्रिक जो है थोड़े से आपके बुद्धिज्म में ज्यादा आते हैं, ये आपके जैनिज्म में कम आते. तो वो आंसर लगाने के बाद में मुझे रिग्रेट हुआ कि मे बी मैंने नहीं लगाना चाहिए था. बट जो गलती हम कर चुके हैं वो कर चुके हैं, क्योंकि यूपीएससी में एक बार आपने अपना सर्कल लगा दिया
तो आपने लगा दिया। ओके, सो आई सपोज आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी किस लेवल पे जाके आपसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्वेश्चंस पूछ रही है। ये आपके इंडियन हिस्ट्री कृष्णा रेड्डी में कवर किया है, बट अगेन इट्स नॉट पॉसिबल, आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर करना है, आपको बहुत कुछ दूसरी भी चीजें आपको कवर करनी है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है आपके लिए। ओके, अब हम लोग आते हैं मेडिटेरियन सी के बारे में। तो गाइज वैसे भी आपको एटलस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर दिन में अगर हो सके तो 20 मिनट का टाइम जो है वो डेडिकेट कीजिए एटलस के लिए। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर यू नो द हिंदू वगैरह पढ़ रहे हो या अगेन थोड़ा आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का ध्यान में रख रहे हो, आपको सिंपल समझ में आएगा भैया इराक जो है उसका बाउंड्री मेडिटेरियन सी से थोड़ी मिलता है। तो आप लोग अगर इराक को एलिमिनेट करते हो, इराक को एलिमिनेट करते ही आपके पास में बचेंगे 3 and 4 and 1, 3, 4। ओके, तो 3, 4 तो आपके लग ही गए, लेबनन में कंफ्यूज थे नहीं थे, बट अगेन जॉर्डन जो है आपको पता होना चाहिए। अगेन आप लोग अगर इसराइल पैलेस्टीन का इश्यू अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि जॉर्डन जो है वो मेडिटेरियन सी के आसपास में नहीं आता है, यहाँ पे आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हो। एंड समझो आप ये भी नहीं कर पाते थे तो गाइज आपको फिर 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। यूपीएससी 2015 में सेम क्वेश्चन पूछ चुकी थी जिसमें उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओपन आउट इन द मेडिटेरियन सी, और इसका राइट आंसर जो था वो जॉर्डन ही हुआ करता था। अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होते तो आप लोग अगेन जॉर्डन में कभी कंफ्यूज नहीं होते और आप लोग राइट आंसर सिर्फ एक ही लगाते और वो होता था आपका 3 and 4 ओनली। इसलिए गाइज मैं इंपॉर्टेंस देता हूं और एम्फेसाइज करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ लेने चाहिए। मैं तो चलो यहाँ पे 5 साल के कवर कर रहा हूं, बट एक्चुअली हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसे तो आप लोगों के पास में जो 20-25 साल के भी अगर मिल जाए तो उनको भी आपने करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी उनसे ही पूछने वाली है, यही लोगों का उनका नॉलेज है। ओके, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका सीरिया जो है उसका बॉर्डर थोड़ा सा आता है, लेबनन का आता है, इसराइल का आता है, बट यहाँ पे आपका जॉर्डन है और जॉर्डन का कोई भी बॉर्डर यहाँ पे नहीं है। ओके, और ये है आपका मेडिटेरियन सी, उसमें कौन कौन से बॉर्डर जो है ओपन होते हैं आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे यूपीएससी 2015 ने यूपीएससी 2017 की मदद की हुई है। अगर आप लोग अपनी गलतियों से सीखो, समझो किसी ने 2015 में गलती की होगी तो वो पक्का 2017 में गलती नहीं किया होगा, अगर उसने अपनी गलतियों से सीखा होगा तो, अदरवाइज यू आर बाउंड टू मेक द मिस्टेक्स। दूसरी बात, ये न्यूज में बहुत चल रहा था उस टाइम पे मेडिटेरियन सी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एलन नाम का एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था और लोग जो है वो क्या कर रहे थे, यहाँ से माइग्रेट होके आ रहे थे आपके इटली या फिर ग्रीस में कंटिन्यूअसली जा रहे थे। तो उस टाइम पे मेडिटेरियन सी आपका वैसे ही बहुत चर्चा में था, बहुत उसमें न्यूज वगैरह जो चल रही थी 2016 के आपके ये न्यूज थी, उसके अलावा 2016 की और एक आपकी बहुत ही बड़ी बैड जो न्यूज थी, ये 2015 की थी, आई एम सॉरी 2015 की आपकी बहुत बड़ी बैड न्यूज जो थी कि ऐसे ही यहाँ से आपकी सीरिया वगैरह से यहाँ से आपके, बिकॉज आपको पता है आईसीस वगैरह उसी टाइम पे आया हुआ था और यहाँ पे सीरिया में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था, इराक में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था, उधर से लोग जो है भागते भागते मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए या तो ग्रीस या फिर इटली में जा रहे थे और एकदम यू नो अनसेफली मैनर में जा रहे थे, और उसमें इस बच्चे की बहुत यू नो भयानक डेथ हुई थी। उस टाइम पे बहुत बड़ा अप्रोर भी हुआ था, तो कुछ ना कुछ इस पे एक्सपेक्टेड था ही। तो 2015 में तो यूपीएससी ने पूछ ही लिया, नो डाउट इसी का यू नो 2016 में भी एक क्राइसिस चल रहा था, तो 2017 में एक बार वापस से आप लोगों से पूछ लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो देखो यूपीएससी फैक्ट्स पूछ के कैसे आप लोगों को आउट करती है। यहाँ पे पूछा है कॉर्पस अमाउंट जो है वो इसका 4 लाख करोड़ रुपए है। अरे भैया आप लोगों ने आज तक फंड अगर आपने देखे होंगे, नो डाउट गवर्नमेंट जो है वो फंड बनाती है, बट 4 लाख करोड़ का कितना बड़ा फंड होता है वो। 4 लाख करोड़ के लिए गवर्नमेंट को उसमें कितना पैसा डालना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तुम बनाना चाहते हो, नो डाउट, बस इसके लिए कितने पैसे लगने वाले हैं। तो पहली बात, ये आपका 4 लाख करोड़ का तो बिल्कुल नहीं था, इनफैक्ट इसमें यूपीएससी ने आपके यू नो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया था। ये 40,000 करोड़ का आपका जो है वो आपका फंड बनाया हुआ था। ओके, और ये अगेन आपका देखो तो 2015 के बजट में इसको अनाउंस किया हुआ था और 2016 में इस फंड को जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा क्रिएट करना शुरू किया हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट वाया एनआईएफ फेल्स वगैरह ये सब आपका चल ही रहा था। तो मतलब इंडियन एक्सप्रेस में इसके मार्च 2017 में ये वाली न्यूज वगैरह चल रही थी। एंड नो डाउट इसके अलावा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट 2015
तो 2015 और 16 के लिए इन्होंने अनाउंस किया था, उसमें इन लोगों ने क्लियरली बोला हुआ था कि इन लोग क्या करने वाले हैं। तो इन लोग जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इन्होंने 20,000 से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में बढ़ाते बढ़ाते इसको 40,000 करोड़ जो है वो बना दिया था, बिकॉज ये गवर्नमेंट आते ही आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही थी। बाकी ये नीति आयोग का पार्ट है कि आंसर इज नो, तो इसके लिए करेक्ट आंसर इसका बनता है डी। ओके, तो उस टाइम पे जिन जिन लोगों ने थोड़ा सा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा था, इसीलिए मैं आप लोगों को एम्फेसाइज करता हूँ कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। राम जाने कब कौन सा क्वेश्चन कैसे आ जाए, और इट्स बेटर कि आप लोग जो है अपना थोड़ा टाइम इस पे इन्वेस्ट जो है वो किया कीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से रिलेटेड है। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी अलग है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अलग है, ये दोनों भी आपकी अलग अलग चीजें हैं। और आपसे अब यूपीएससी इसमें पूछ रही है, मुझे भैया बिल्कुल नहीं पता था, मेरे डी कैटेगरी में आता था, मैंने सीधा इस पे हाथ ऊपर कर लिए, मुझे नहीं आता करके, क्योंकि कोई भी इसको कवर नहीं किया था किसी न्यूज़पेपर में कहीं पे कुछ जो है वो कवर, मतलब नो डाउट इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया हुआ था। ओके, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया था, बट ये 2014 में कवर किया था। 2014 का न्यूज आप लोग 2017 तक थोड़ी लिख के याद रखने वाले हो, तो मिस हो ही गया। तो फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसने ऐसा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वगैरह लॉन्च किया है, ऐसा इसमें आंसर आ रहा था आपका। तो वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द पीपीपी इनेबल द मोबिलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वगैरह वगैरह, और इसका आंसर फिर बी इसका करेक्ट आता है। बाकी कुछ लोग अगर ये भी बोल सकते हैं कि ओईसीडी वगैरह कंट्रीज इस पे काम भी करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, यूएन सिटार्ड में भी इलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भी प्रमोट करो ऐसा कुछ हो गया तो, सो आई बेटर डिसाइडेड नॉट टू अटेम्प्ट इट। तो इधर पता था या फिर नहीं पता था, कुछ लोगों ने इस पे तुक्का मारा, उनका सही भी आया, मैं नहीं बोलता हूं कि नहीं आता है, बट गाइज मेरा काम है आपका रिस्क कम से कम रखना, सेफ्टी नेट एक बनाए रखना, और उससे जो है आप लोग कभी भी फॉल ना हो और 142 का स्कोर आप लोग मेंटेन कर सको। ओके, मैं चाहता हूं जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ओके, तो उनको एक वरदान भी देता हूं, जो लोग यहाँ पे अच्छे से कमेंट लिखेंगे, मेरे लेक्चर्स वगैरह अच्छे से अटेंड कर रहे हो, आप लोगों को 142 मिल जाएंगे, लेकिन कमेंट करना जरूरी है मेरे वीडियो पे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका लोकसभा के इलेक्शन रिलेटेड। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, ओके, तो सिंपल है गाइस, पॉलिटी का आंसर है, इतना तो आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में पढ़ाई होगा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आपको पता होगा ये सब एकदम आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, और आपका पॉलिटी अच्छे से कवर हुआ होगा उसमें, ये सब किया ही है। अगर आपका पॉलिटी अच्छा नहीं कवर हुआ है तो मेरे कुछ वीडियोस हैं नीरव दा चैनल पे, आप लोग वहां पे देख सकते हो, जिससे आपके 15 वीडियोस में मैंने बहुत सारा पॉलिटी जो है वो कवर किया हुआ है, तो आप लोग फटाफट वो देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 कितना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, मतलब एकदम बेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा। यूपीएससी इसीलिए पता है क्या वर्ल्ड की बेस्ट एग्जाम मानी जाती है, तुम्हारे दिमाग को झकझोर देने वाली एग्जाम है। वो नहीं पूछ रही आपसे कि हिमालय कौन कौन से स्टेट में है, बट 5 स्टेट्स ओनली। तो एक तो एक्सट्रीम्स आ रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर द, अगेन 5 स्टेट्स ओनली, अगेन इसमें भी आपका ओनली आ रहा है, या फिर आपका पोलिकट लेक जो है वो भी आपका 2 स्टेट्स ओनली पे आ रहा है। तो गाइस अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, अगर आप लोग न्यूज़पेपर अच्छे से करते हो, एंड नो डाउट ये आपकी एनसीईआरटी है 11th की, जिसमें क्लियरली दिया हुआ है आपके हिमालयस कहां तक स्प्रेड है भैया, आपके हिमालयस जो है वो जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में आपका इधर आएगा सिक्किम, उसके बाद में आपका इधर आएगा अरुणाचल प्रदेश, एंड फिर यहाँ पे नागा हिल्स वगैरह, मतलब यहां तक भी हिमालय जा रहा है, मतलब आपका मणिपुर एंड नागालैंड वगैरह भी आपका कवर हो रहा है, इवन आपका यहाँ से मेघालय का भी कुछ पार्ट जो है वो कवर करवाने की कोशिश करता है। तो इन जनरल अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मोर देन 5 स्टेट जो है वो इसका आंसर बनते हैं। तो इतना आपके दिमाग में ये वाली इमेज जो है वो आनी चाहिए थी। तो हिमालयस एकदम क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, वही आपको बताना था। तो इसलिए एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से करनी चाहिए हमने। और दूसरी चीज, आपके रेगुलर न्यूज़पेपर जो है उस टाइम पे वेस्टर्न घाट जो है उसकी न्यूज काफी चर्च रही थी, तो वेस्टर्न घाट आपको सीधा पता होना चाहिए यार, गुजरात से शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पे गोवा में है, उसके बाद में आपका कर्नाटका में है, यहाँ केरला में है, यहाँ तमिलनाडु में, हो गए आपके 6 स्टेट। तो आपका जैसे ही आप लोग 1 और 2 को एलिमिनेट करते हो, जिसमें 1 और 2 है वो आप एलिमिनेट कर दोगे, आपके पास में आंसर बचेगा वही बी यानी पुलिकट लेक। और उस टाइम पे पुलिकट लेक भी न्यूज में चल रही थी अभी के लिए, अगर वापस से फ्यूचर में कभी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि देखो ये है आपका
2017 का क्वेश्चन, 2018 में वापस से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें पुलिकट लेक नेचुरल है या नहीं है उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। गाइज अगर आपने 2017 को अच्छे से पढ़ा है और पुलिकट लेक के बारे में समझो यहाँ पे गलती की भी है और पुलिकट लेक के अपने इश्यूज कवर अगर करके लिए होते हैं तो 2018 में गाइज आप लोग बता सकते हो कि एटलीस्ट पुलिकट लेक तो भी आपकी नेचुरल है। फिर आप लोग नैनीताल, कोलेरू इन सब में अगर कंफ्यूज हो या कोडई केनाल वगैरह में कंफ्यूज हो आप लोग अपने आंसर जो वो राइट लगा सकते थे। तो याद रखना पुलिकट लेक उस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है। इनफैक्ट मैंने इंडियन एक्सप्रेस का ही आपको जो वो इमेज ला के दिया हुआ है। तो यू नो यहाँ पे आपका ये पुलिकट लेक आपका इधर थोड़ा सा बंद होते हुए आ रहा है तो यही आपकी प्रॉब्लम है। द माउथ जो है वो पूरा का पूरा सिल्ट हो रहा है और उससे उसकी डेप्थ जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो उस पर गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और काम कर रहे थे। ओके बाकी अगर आप इसकी बाउंड्री देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश में आता है और यहाँ पे आपका आता है वो है तमिलनाडु। तो पुलिकट लेक आपकी दो स्टेट जो है वो शेयर करते हैं। क्या आंसर इज यस। और आई सपोज अब आपके दिमाग में एकदम पूरा पूरा ये सॉलिड हो चुका होगा कि कैसे पुलिकट लेक जो है वो काम में आती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर ये गलत करते हो तो फिर आप लोगों को वापस से शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, शंकर है इसमें क्लियरली दिया हुआ, बहुत इजीली कंसेप्ट समझा हुआ है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होता है। तो सिंपल है कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म वगैरह रह रहे हैं। ओके, बिकॉज जितना पोल्यूशन होगा उतनी आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी बढ़ेगी और इसका मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी आपकी कम होने वाली है। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है सी। ओके अगर आपको ये सब नहीं आता है मतलब है राइट टाइम आ गया है आपका शंकर आय इसको वापस एक बार रिवाइज करने का। ओके आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे और क्वेश्चन नंबर 10 जो है यूएन हैबिटेट से रिलेटेड है। यूएन के बॉडीज पे यूपीएससी का क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक है, हर बार वो आपका आने ही वाला है। इवन आपके मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है यूएन के बॉडीज वगैरह जो है वो पढ़ के रखो तो ऑब्वियसली उस पर यूपीएससी पूछेगी। तो इसमें अब आपको जो है वो एक ही चीज को एक ही स्टेटमेंट को आपको एलिमिनेट करना है, उतना आपका जैसे ही कर लोगे मेजॉरिटी ऑफ द काम जो है वो आपका हो जाएगा और वो है आपका सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है यूएन हैबिटेट के बारे में कि इट्स पार्टनर्स आर ईदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटीज ओनली। और गाइज आपको याद होगा मेरा रूल ओनली या एवरी, ऐसे जहां पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो और सोचो ना अगर यूएन की बॉडी है हैबिटेट रिलेटेड है जिसमें आपका पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आप लोग सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज वगैरह बनाना चाहते हो, सस्टेनेबल टाउन्स और सिटीज गवर्नमेंट और सिर्फ लोकल अर्बन अथॉरिटीज की मदद से होगा क्या? लॉजिक लगाओ, लॉजिक भले ही नहीं पढ़ा है आपने यूएन हैबिटेट के बारे में तो भी आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड को उड़ाते ही आपके पास में बचेंगे दो ऑप्शंस, 1 and 3 ओनली या फिर 1 only, मतलब ऑटोमेटिकली 1 तो हो गया आपका करेक्ट। अब आपके पास में 3 को सोचना है कि यूएन हैबिटेट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड प्रमोट एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। तो भैया यूएन हैबिटेट ऊपर आपने बोला है कि सस्टेनेबल सिटीज है, उसमें सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल आपके सिटीज बनाने हैं विद एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, शेल्टर में वाटर और ये सब चीजें आने वाली है, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से तुम मैच कर रहे हो, आंसर लगाओगे ऑब्वियसली बी। ओके क्योंकि ये दोनों भी स्टेटमेंट कनेक्टेड लग रही है आपको, लॉजिकल लग रही है। तो भले ही आपने यूएन हैबिटेट के बारे में नहीं पढ़ा हो तो भी आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो वो लगा सकते हो। एंड डोंट वरी, मैंने आपको बोला है कि अगर यहाँ की कोई चीज आपको अभी नहीं आती थी लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगली बार नहीं आना चाहिए। तो यूएन हैबिटेट जो है वो अब न्यूज में ऑलरेडी चल रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया इज इलेक्टेड टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूएन हैबिटेट असेंबली एट द प्लेनरी सेशन ऑफ द असेंबली बीइंग हेल्ड इन द नैरोबी। तो इसके लिए फिर आपको यूएन हैबिटेट वापस कवर करना है। 2017 में पूछा है तो 2019 में क्यों नहीं पूछ, 2020 में क्यों नहीं पूछ सकते हैं, वापस पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अब मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। ओके तो क्या है ये? सो सिंपल है, नेशनल इसका और एक नाम है द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। ओके इज द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1978 as outcome of the first UN conference of human settlement वगैरह वगैरह। क्योंकि आपको पता है cities में कितनी बुरी हालत होती है, migrant labor की क्या हालत होती है, कैसे एकदम छोटे छोटे जगह पे रहते हैं। चलो इंडिया में आपने देखा ही होगा मुंबई में कि you know कैसे उन लोग चौल में वगैरह रहते हैं और कितनी बुरी हालत होती है उनकी। तो 1978 से ही इस पे जो है वो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का एजेंडा जो चल रहा था और ये आपका हुआ यू नो फिर हैबिटेट 1 आपका इस टाइम पे इन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है क्या? आंसर इज यस। और बाद में फिर इन लोगों ने इसको वापस से रिवाइज किया और वो बनाया आपका हैबिटेट 2 जो की है इस्तांबुल का। तो ये आपका हैबिटेट एजेंडा अभी बना दिया है जिसमें आप लोग अगेन ये सब सस्टेनेबल सेटलमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की बात करने वाले हो। तो मेन दो ही गोल है
है इनका, एडिक्वेट शेल्टर सबको प्रोवाइड करना है एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट इन द अर्बनाइजिंग वर्ल्ड, ये आपका दूसरा मेजर एम है। तो आई सपोज आपको यूएन हैबिटेट अच्छे से समझ में आया होगा और उसको अगली बार अगर यूपीएससी का कोई क्वेश्चन पूछती है आप लोग करेक्ट आंसर लगाओगे। और गाइस मैं जो हर बार बोलता हूँ, आपका सबसे बेस्ट शस्त्र जो है नो डाउट एलिमिनेशन मेथड है, बट उसके अलावा भी आपका एक शस्त्र ऐसा है जो आपको बहुत काम में लेके जाएगा, वो है आपका लॉजिक। लॉजिक को नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में। तो गाइज आप सबको पता है कि यूपीएससी का 2015 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, इनफैक्ट 18 तक इन्होंने हर बार जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे पक्का क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं। क्योंकि गाइज आपको पता है हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो अपॉर्चुनिटी विंडो है वो सिर्फ है 2040 तक। भैया ये 2040 के बाद में हमारे पास में कोई विंडो ही नहीं है, तो इसलिए हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर इसको अचीव करना है, इफ वी वांट टू बिकम रिच व्हेन वी आर यंग एंड नॉट ओल्ड, तो आपको स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और ये जिन लोगों के पास में ऑलरेडी स्किल्स है उनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर आपके पास में है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और वो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपका क्या बोलता है, तो इसमें बेसिकली जो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में एक्चुअली फॉर्मल लर्निंग नहीं हुई थी, आप सबको पता है कि एक आधा कोई बंदा होगा, इनफैक्ट आपके भी ऐसे पापा वगैरह होंगे जिनका आठवीं तक का भी एजुकेशन नहीं हुआ है बट वो बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, या अगेन आपका किसी ने सिविल इंजीनियरिंग नहीं की हुई है बट उसको एकदम पूरा का पूरा कि कितना इसका वेट होना चाहिए, कितना इसका कैंटर लीवर कितना लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना इसमें भरना है, ये उनको ऑलरेडी नॉलेज होता है। तो यही बोल रहा हूँ कि इसका एक्चुअली असेसमेंट करके आप लोग अगर ये स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के थ्रू जो 1 to 10 आपका रैंक किया जाता है उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर कोई एक मेंशन है तो उसको मेंशन जनरल आप लोग बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका स्किल क्या है। तो ये ऑब्वियसली असेसमेंट के बाद ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके जो इनफॉर्मल लर्नर्स है उसको आप लोग एक फॉर्मल डिग्री दे रहे हो ताकि कल को जब बड़ी कंपनी में जाए तो उसको आप लोग जो है वो वो खुद की भी स्किल एनहांसमेंट वगैरह करेगा और उसको बड़ा पैकेज वगैरह भी मिलने वाला है। तो ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपका 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जब से लॉन्च हुई है तब से इसको बहुत ज्यादा जोश दे दिया गया। ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रहूंगा क्योंकि सिर्फ फॉर्मल लर्निंग नहीं, इनफैक्ट इसमें आप लोग इनफॉर्मल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करोगे। और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि एनएसक्यूएफ जो है वो आपका मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन दोनों भी जाता है। तो गाइस जितने भी लोग मेरे करंट अफेयर्स के बैच के मेंबर्स हैं उन सबको ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है, तो आपको ये सब अच्छे से पता है। एनी हो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और गाइज इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी पॉलिटी की बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें खास करके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, और उसमें से ये आपका डायरार्की, जो कि डायरार्की कब हुआ करता था, आपका डायरार्की हुआ करता था दो टाइम पे, एक था आपका 1919 में और दूसरा था आपका 1935 में। इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो ये डायरार्की क्या हुआ करता था, इट वॉज नथिंग बट अ डिविजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविजन इन टू टू कैटेगरीज, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरार्की। आई सपोज ये सबको क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो गाइज आपका अभी के अभी जाके आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत से पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए। एंड यही गाइज हिस्ट्री में भी आता है, आपका कॉमन है, एक टॉपिक आप कवर करोगे आपके दो जगह पे कवर हो रहे हो, इससे और अच्छा क्या चाहिए आपको। ओके अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछ रहा है आपसे अगेन नेशनल करियर सर्विस के बारे में। तो एक जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है गाइज, ओके इसमें यूजुअली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जानबूझ के इन लोग रॉन्ग ही देते हैं। मे बी इनको लगता है कि ऐसा कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इट्स अ थियरी जो कि आपकी 60% टाइम में काम कर जाए और मे बी 40% टाइम पे काम नहीं करे, बट जब आप कंफ्यूज हो तो उस टाइम पे आप लोग सोच सकते हो। पहली बात, नेशनल करियर सर्विस का लेना देना क्या होगा आपके पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से या मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से, आंसर इज नो। इसको आप जैसे एलिमिनेट करोगे उसके बाद आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बी, क्योंकि नेशनल करियर सर्विसेज में एक्चुअली आपका नेशनल करियर सर्विस जो है तो इसको मिशन मोड में लॉन्च किया हुआ है टू इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द माइनॉरिटीज। तो उनके लिए पोर्टल जो है वो बनाया हुआ है, 2015 में बनाया हुआ था, और ये जो है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। ओके तो गाइज इसके लिए इसका आंसर जो है वो बनता है आपका बी। और ये आपका कहां से क्वेश्चन पूछा आप पूछो मेरे से, तो सीधा है मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, अलग अलग मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो गए, एंड नो डाउट इसको इंडिया ईयरबुक में भी कवर किया हुआ था। अब आप पूछोगे सर इसको हम लोग करें क्या, मैं बोलूंगा भैया जो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड हो गए, लेबर रिलेटेड हो गए, एटलीस्ट ऐसे कुछ चैप्टर्स जो है वो आप लोग इंडिया ईयरबुक से कर ही सकते हो, बिकॉज जरूरी है ये।
ओके okay? और मैं बोलता हूँ ना आपको, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो आप लोग इंडिया ईयर बुक हो गया, इंडिया आपका पूरा देखो टाइम आप नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट ऊपर से ओवरलुक तो कर लो कि भैया क्या क्या स्कीम थे क्या क्या नहीं थे। ये वैसे ही स्कीम में आता है, तो जितने भी स्कीम के लोगों ने यू नो मैगजीन वगैरह लॉन्च किए थे उसमें इन लोगों ने कवर किया हुआ ही था, तो आप लोगों का हो जाता था उसमें से। ओके अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 आपका था S4A से रिलेटेड। गाइज जो 2017 का उस टाइम पे अटेम्प्ट दिए हैं, अगर उन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है मतलब उन लोगों को डूब मरना चाहिए था, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। रीजन बीइंग इतना ज्यादा न्यूज में था वो उस टाइम पे, खास करके आपके एनपीए जो वो कंटिन्यूअसली राइज हो रहे थे, और उसमें आपके बैंक के अलग अलग रिफॉर्म्स हम लोग लेके आ रहे थे। तो वन ऑफ द रिफॉर्म वॉज दिस ओनली, वन ऑफ द रिफॉर्म वॉज दिस कि आप लोग जो है कि स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, और उसमें इन लोग जो है वो ये आरबीआई का स्कीम था जो कि आपका यू नो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग बिग कॉर्पोरेट का वगैरह कर रहा था, तो इसके लिए आपका S4A स्कीम जो है वो आरबीआई लेके आया हुआ था। तो देखो फर्स्ट S4A डेप्ट जो है रिकास्ट गेट्स अप्रूवल वगैरह उस टाइम पे 2016 वगैरह में कुछ ज्यादा ही न्यूज में चल रहा था, तो ऑलरेडी ये सब लोगों को पता ही था। और जितने भी स्टैंडर्ड उस टाइम के करंट अफेयर्स के मैगजीन चल रहे हैं, विजन हो चाहे इनसाइट हो चाहे दृष्टि हो, जो भी थे सबने इसको कवर किया हुआ था। इसका मतलब है कि आपको ऐसी एक किसी मैगजीन को भी कवर करना जरूरी है। मैं रिकमेंड करता हूँ विजन को क्योंकि फेयर इनफ है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या होती है लोगों की, विजन का मैगजीन जब आप करते हो तो आप करते हो सिर्फ एक साल की कवर, जबकि आपको करनी चाहिए 2 साल की कवर। ओके तो इस साल की तो आप करिए ही करिए, क्योंकि विजन ने जो भी न्यूज दिए हुए हैं जून से दिए हुए हैं, तो जून से आपके मे बी फेब तक के दिए हुए हैं। और इसमें भी गाइस जब आप लोग करते हो तो विजन 365 जो है उसको रेफर कीजिए, पीटी 365 जिसको हम बोलते हैं, तो पीटी 365 को रेफर कीजिए। ऐसे ही पीटी 365 जो है वो आप लोग 2019 के अटेम्प्ट के लिए जो बनी हुई थी उसको भी रेफर कर लीजिए, ताकि क्या होता है आपके 2 साल के करंट अफेयर जो वो कवर हो जाते हैं, और अगर यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन अगर पिछले साल से भी पूछता है तो आपका कवर हो जाएगा। ओके और गाइज ये बहुत छोटे छोटे मैगजीन्स होते हैं, जल्दी कवर हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। रादर देन गोइंग फॉर द मंथली मैगजीन यू शुड गो फॉर द यू नो ईयरली मैगजीन, दैट वुड यू नो बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपका फिर भी ये इन सब चीजों से कवर नहीं होता है तो गाइज मेरे ही चैनल पे 2 लेक्चर ऑलरेडी लिए हुए मैंने, बैंकिंग इश्यूज 1 और बैंकिंग इश्यूज 2, उसमें ये सब S4A क्या हुआ करता था, अभी हम लोग क्या लेके आए हैं, क्या कोऑपरेटिव्स के लिए हम लोग लेके आए हैं, तो 2020 के पर्सपेक्टिव से कि भैया 2020 के प्रीलिम्स में क्या पूछेंगे उसके पर्सपेक्टिव से मैंने ये 2 एकदम सॉलिड लेक्चर लिए हुए हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये मेरे आज तक के बेस्ट लेक्चर्स हैं जो मैंने 7th और 9th अप्रैल को रिस्पेक्टिवली लिए हुए हैं, तो आप लोग वो पक्का से कवर कर सकते हो। अगेन मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको ये दोनों लेक्चर जो मिल जाएंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आपका आउट ऑफ द यू नो सिलेबस ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी अगेन आपका एक वन ऑफ द क्वेश्चन है जो आपका यू नो सिलेबस के बाहर का, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बाउंसर है। तो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, तो ठीक है थोड़ा सा आप लोग में भी लगा सकते हो कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है आपकी बात कर रहे हो, तो क्लीन एयर से थोड़ा बहुत आप लगा सकते हो कि क्या बात हो सकती है वो। टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट इज यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द G20 ग्रुप ऑफ द कंट्री, कहीं ना कहीं मुझे लगा यार ये G20 इकोनॉमिक्स की बात करता है, एनवायरनमेंट में कहां से ये एंटर करेगा वगैरह, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा गलत लगा। बट फिर अगेन मुझे पता नहीं था, मे बी आई वॉज नॉट वेरी श्योर। फिर CCAC focuses on the methane, black carbon, hydrofluorocarbon, मैं बोला भैया पता ही नहीं, मैंने इसको छोड़ दिया सीधा, और इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली 2 ओनली था। ओके क्योंकि G20 का मुझे लगा था, मुझे एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है आपको लगता है कि यार 2 ओनली ही आंसर होगा इसका, बट आप लोग नहीं लगाते और ऐसा होता भी है। ओके एंड इट्स मतलब आपके ऊपर है वो कि आप क्या करना चाहते हो उस टाइम पे, तो एक्चुअली ये यही करता है मेनली आपके जो खास करके शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स है उसके लिए ही काम कर रहा है, और ये कोई यू नो किसी का इनिशिएटिव नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंट अलग सा इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है। तो इसके लिए ये न्यूज में नहीं था एक्चुअली, किसी भी मैगजीन ने इसको कवर नहीं किया था, ये अपने आप ही अपने को कवर करना था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका इंडियन ओशन डायपोल से रिलेटेड है, और इंडियन ओशन डायपोल जो है वो आपका बेसिक ज्योग्राफी में गाइस कवर होता ही होता है। अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप राइट एजुकेटर से आप लोग जो है वो ज्योग्राफी नहीं सीख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका इंडियन ओशन डायपोल कौन कौन से ओशंस में होता है। ये आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया है वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्ट पैसिफिक ओशन
क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट अगेन आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है, अलनीनो लानीना, ये यूपीएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक है। अलनीनो मोडोस्की अगेन ये एक नया टॉपिक है जो यूपीएससी ने बहुत बार हिस्ट्री में पूछा हुआ है, मतलब हिस्ट्री एज इन पहले पूछ चुकी है। तो अगर आपको ये अलनीनो मोडोस्की नहीं पता है तो आज ही जाके इसको अच्छे से कवर कीजिए। ओके, तो ये बी जो है इसका राइट आंसर आपका बनता है। ये मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके जो भी ज्योग्राफी का रिस्पेक्टिव टीचर है उसने अच्छे से आपको सिखाया हुआ चाहिए था, एंड उस टाइम पे ये सब चर्चा में चल ही रहा था। अगेन उस टाइम पे अगर आप लोग हिंदू वगैरह ठीक से देखो, एक्सप्लेन वगैरह उन लोग कर रहे थे, तो उसमें ये आपका कवर्ड ही था कि डायपोल फैक्टर जो है, जो आपका इंडियन ओशन डायपोल, वो रिस्पॉन्सिबल कैसे है करके। ओके, उसमें उन लोगों ने पूरा एकदम अच्छे से बताया हुआ कि कहां कहां पे क्या है करके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और क्वेश्चन नंबर 17 आपका घड़ियाल से रिलेटेड है। अब आप पूछोगे सर ये कहां से आ गया, मैं बोलूंगा आप शंकर भगवान की इनफ पूजा नहीं करते हो। शंकर भगवान ने यहाँ पे देखे रखा हुआ है घड़ियाल, उन्होंने पूरी लिस्ट बता के दी हुई है कि क्या है वो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। गाइस जो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनको तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए, वल्नरेबल को छोड़ दो, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड को अच्छे से कवर कीजिए एनवायरमेंट में से। ये अगेन मैं स्क्रीनशॉट सीधा का सीधा आपके शंकर आय से ही लेके आया हूं। तो या तो आप शंकर भगवान की पूजा अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो करना आपके लिए जरूरी है कि घड़ियाल जो है वो एक तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, उसने क्लियरली बताया भी था कि इंडिया के चंबल रिवर में जो मिलता है करके। क्लियर कट यहाँ पे एक ही आंसर बनता है कि आपकी घड़ियाल जो है वो कहाँ मिलते हैं, सिंपल आंसर था इसका चंबल। बाकी और आपको बता देना चाहता हूँ, पुलिकट लेक यहाँ पे वापस एक बार रिपीट हो रहा है, मतलब यूपीएससी का पुलिकट लेक कितना ज्यादा फेवरेट है सोचो, कोलेरू लेक कितना ज्यादा फेवरेट है। तो ये दीप भोर बिल वगैरह हो गया आपका, भितरकनिका मैंग्रोव हो गए, ये सब यूपीएससी के फेवरेट है। इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेरे पीछे कुछ स्लाइड्स है जिसमें रामसर साइट जो मैंने कवर किए हैं उसमें मैंने आपको दिए हुए हैं, आप लोग प्लीज उसको अच्छे से रेफर कर लीजिएगा। और इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को शंकर आय से जो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एटलीस्ट एंडेंजर्ड है उसका आप लोग थोड़ा बहुत तो भी पढ़ाई करके रखो, क्योंकि पूछ लिया तो क्या करोगे। तो टेरापिन हो गए आपके, या फिर आपके जो 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 आपके वल्नरेबल उनको आप छोड़ सकते हो, इतना आप लोग रिस्क ले सकते हो, बट एंडेंजर्ड जो है आपके या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है उनको आप लोग नहीं छोड़ सकते हो, इतना सिर्फ याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 सिर्फ और सिर्फ उनके खुद के वेबसाइट पे दिया हुआ था जो कि है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम पे। किसी भी उस टाइम के हिंदू ने ना तो उसको कवर किया था, ना ही किसी इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। तो कभी कभी यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेती है, किसी कोई एक आधा ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व होगा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में, और उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, तो एक्चुअली इसमें से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आपका 2008 में जो है वो लॉन्च हुआ था। तो ये पूरा का पूरा आपके इंडियन ओशन के रीजन के जो लोग हैं उनके लिए इन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, सो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है इट्स अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज द मैरिटाइम कोऑपरेशन अमंग द नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन। तो ये पढ़ते ही आपको समझ में आता है कि हाँ भैया नाम थोड़ा सा देखो तो इसमें ये क्लियर लगता है, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। बाकी बाकी तो आप लोग यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन अगर चाहते हो, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ये क्या करता है, खास करके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करता है। बाकी नेवल असिस्टेंस वगैरह चलता है, नेवल इनकी प्रैक्टिस वगैरह चलती है, और अभी रिसेंटली हुआ भी था ये, जैसे कि हम लोग नवंबर 2018 में हमारे कोची के यहाँ पे ये जो है वो हुआ था, तो इसकी 10th एनिवर्सरी थी अभी रिसेंटली। ओके, तो वापस इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होते हैं जहां जहां ऐसे एनिवर्सरी वगैरह कंप्लीट होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि ये तो आपके एनसीईआरटीज में से है, कौन सी 11th की एनसीईआरटी, जिसमें आप लोग ये वाली इमेज भी देख सकते हो पद्म पाणी की। तो ये पद्म पाणी है आपके, जिनके हाथ में आप लोग ये पद्म का मीनिंग होता है फूल। ओके, खास करके अगर आप और पूछो तो कमल इसका मीनिंग होता है, तो ये कमल जो है वो लेके जो खड़े हैं उनका नाम है पद्म पाणी, और ये अजंता के केव्स में आपको जो है वो मिलते हैं। तो अगेन ये आप बचपन से इमेज वगैरह मूर्तियां वगैरह या इमेजेस वगैरह देखते आ रहे हो, इतना तो आपको पता होना चाहिए था। एंड नो डाउट मैंने आपको कल भी अपने लेक्चर में बताया था कि 11th की जो एनसीईआरटी है उसके खास करके बुद्धिज्म रिलेटेड या जैनिज्म रिलेटेड जो कुछ है उन सब के जो वो कवर कर लीजिए, जितने बोधिसत्वाज है, मैंने आपको तारा हो गए या फिर उनके मैत्रेय हो गए, उन सबका इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, अपने पास में बना लीजिए और उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन जो कंटिन्यूअसली पूछ ही रहा है। अब हम लोग आते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स पे, तो ये फेस्टिवल्स भी आपके नितिन सिंघानिया वगैरह में कवर्ड है, बट अगेन नितिन सिंघानिया इतनी है तो क्या करें, कोई कोई याद रह जाते हैं, कोई कोई याद नहीं रहते हैं। तो
मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मुझे अच्छे से पता है वारी वारकरी जो है वो संथाल का नहीं है, इनफैक्ट ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है तो संथाल कहाँ के है? संथाल आपके वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के हैं। ये गया, त्री जाते ही आपके पास में ऑप्शन बचेगा या तो नन ऑफ द अबव या फिर आपके पास में बचेगा वन ओनली। तो अब इसमें भी आपको सोचना है, इसका मतलब नंद राज जात यात्रा जो है वो गलत ही है, क्योंकि अगेन आप लोग एक दिमाग लगा सकते हो, नंदा देवी पर्वत आपको पता होगा, कंचनजंगा के बाद में सबसे अगर ऊंचा कोई शिखर है तो वो नंदा देवी पर्वत है आपका, ओके माउंटेन है, और ये उसके रिलेटेड आपकी यात्रा जो है वो चलती है। तो ये कहाँ की होगी? ये आपकी उत्तराखंड की हो जाएगी भैया। तो उत्तराखंड की और गॉन्ड्स का क्या लेना देना होगा? तो सेकंड भी आपका ऑटोमेटिकली गलत है। बाकी चालीबा साहिब फेस्टिवल जो है वो सिंधीज मनाते हैं, ये मुझे पता था क्योंकि मैं कुछ मेरे सिंधी दोस्तों के साथ में जो बड़ा हुआ हूँ तो उन लोग ये सेलिब्रेट। तो कभी कभी आपके पर्सनल लाइफ के, ये कहीं मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मेरे लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने मुझे इसमें हेल्प की, ओके। और इसमें चाली आपका जो चलिया साहिब जो है, ओके, तो वो वाला फेस्टिवल उन लोग सेलिब्रेट करते थे। एक्चुअली मैं ये मंदिरों में भी जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ ऐसा यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। बाकी नंदा देवी जट जो है मैंने आपको बताया ऑलरेडी, उत्तराखंड में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद में आपका पंडरपुर का वारी बहुत बड़ी फेमस वारी है, तो ये आप लोग एनी हाउ देखते ही होंगे, ओके। सो ये था आपका 20th क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 21 क्वेश्चन पे। इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों ने ये एक दूसरे को उठा पटक करके बोले ये ही है इसका आंसर, वो ही है इसका आंसर। फाइनली यूपीएससी ने बोला मैं तुम सबका बाप हूं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया डी भी है, क्योंकि एक रैंडम कुछ कुछ आपके गूगल सर्च वगैरह आप जब आप करो वहां पे आपको मिलेगा कि अप्लाइंग जिप्सम इज ऑल्सो वन ऑफ द वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। बिकॉज क्या होता है, जब आप जिप्सम वगैरह उस पर डालते हो आपके इरिगेशन फील्ड पे, तो इरिगेशन फील्ड पे जिप्सम वगैरह डालने के बाद में उसका फायदा ये होता है कि वहां पे आपका वाटर ड्रेनेज वगैरह अच्छा हो जाता है। तो वाटर ड्रेनेज जब अच्छा होता है तो वाटर कंजर्वेशन आपका अच्छा होने लगता है। अदरवाइज क्या होता है कि वाटर अगर आपका इधर ये पूरा पूरा अगर आपकी सॉल्ट की परत वगैरह जम रही है, सैलिनिटी आपकी बढ़ती है, तो वाटर आपका यहाँ पे टिकेगा नहीं और निकल जाएगा, ओके। तो ये थोड़ा सा फिल्ट्रेशन वगैरह में हेल्प करता है, इसलिए लोग बोले कि भैया वाटर कंजर्वेशन के लिए जिप्सम जो है वो लगाएंगे। बट इतना बड़ा, तो यूजली हमारा इवन एक रूल होता है कि साइंस एंड थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड जो होता है उसमें यूपीएससी हर बार जो है वो ऑल ऑफ द अबाउट देती है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है गाइस। और करेक्ट आंसर यूपीएससी ने यहाँ पे दिया था सी। उन्होंने ये जिप्सम वाली थ्योरी जो है मानी ही नहीं, उन्होंने बोला या तो जीरो टिलेज या फिर अलाउइंग द क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, दीज आर द टू मैकेनिज्म फॉर द वाटर कंजर्वेशन, ओके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाटर कंजर्वेशन इस पे हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, बिकॉज दिस इज द वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम व्हिच यू एवरी यूपीएससी कैंडिडेट मस्ट नो अबाउट इट। बाकी सॉइल हेल्थ कार्ड उस टाइम पे एनी हाउ न्यूज में थे, ये सब मेजर मैगजीन गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह सब लोगों ने कवर किया हुआ था, इसमें कोई अगेन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे, ओके। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए सिंपल कि ये आपका ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए इसको यूज कर रहे हैं। अगेन आप लोग अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो कि एक्सपांडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर द इरिगेशन, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या लेना देना होगा इरिगेशन का? और इसका वन को जैसे ही आप हटाते हो आपके पास में टू थ्री एंड थ्री बचता है। सेकेंड स्टेटमेंट आप पढ़ो बैंक्स के लोन रिलेटेड क्या लेना देना होगा, अगेन आप लोग इसको उड़ा सकते हो। ज्यादा इंटरलिंकेज करना नहीं है, ओवरथिंकिंग करनी नहीं है, इसका एक ही आंसर है और वो है आपका बी, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो गाइज इसमें मैंने ऑलरेडी ये जो है वो अनअकैडमी पे इसका मैंने लेक्चर लिया हुआ है, अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेक्चर नंबर 19, तो स्पेशल क्लास 19 में मैंने ये बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हो। मैंने बकायदा ये तक बताया कि एक्चुअली एक सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो आपका कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या जो है वो आपके प्रोविजन वगैरह उसमें दिए हुए, तो ये सब मैंने उनको अच्छे से सिखाया हुआ है। अगर आप लोग ये कवर करना चाहते हो आप लोग मेरे अनअकैडमी पे एग्रीकल्चर पे तीन लेक्चर्स हो चुके हैं 18, 19 और 20, और अगले महीने मतलब अभी कल से ही उस पे और भी लेक्चर जो वो आने वाले हैं एग्रीकल्चर पे। तो मैं सोच रहा हूँ 6 लेक्चर्स इन टोटल होंगे एग्रीकल्चर पे, ताकि आपका एग्रीकल्चर ए टू जेड कवर ही हो जाए, और यूपीएससी 6 मार्क्स के एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। अब ये है क्वेश्चन 23, ये भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में जो वो चल रहा था, न्यूज में इसलिए चल रहा था बिकॉज ऑफ द चाइनीज फास्ट फूड और खास करके उस टाइम पे मैगी और FSSSI का जो इश्यू जो चल रहा था उस टाइम पे, ये इश्यू चल रहा था आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट का। तो उस टाइम पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया था ऐसा लोग बोल रहे थे, क्योंकि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये अगेन आपके सारे हिंदू वगैरह ने कवर किया हुआ था इसको अच्छे से, ओके। उनका बोलना था कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या करता है, आपके टेस्ट बड जो है उसको एनहांस करता है, और इसलिए फिर आप लोग जो है वो मैगी अगर खाते हो ज्यादा खाते हो, आप लोग अगर चाइनीज प्रोडक्ट कोई खाते हो आप लोग ज्यादा खाते हो, तो इसमें पॉजिटिव पाया गया था, मैगी पे बैन लगाया हुआ था और पूरे नेशनल लेवल पे। आपको
भी याद होगा अच्छे से, तो उस टाइम पे ये चल रहा था, तो लोगों ने इसका आंसर जो है, तो मुझे पता था कि भैया तीन तो लगाना ही है, लेकिन तीन वाले ये तीन ऑप्शंस हैं। अब उसमें सोडियम सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी मुझे पता था कि ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जो उसमें यूज करते हैं, ये मैंने साइंस में पढ़ा हुआ था। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया या तो ये या फिर ये। मैं बोला यार लिपस्टिक में लिड, और लिड इतना जहरीली चीज है, आप लोग लिड लिपस्टिक में डालोगे क्या? मैंने ऐसे सोच के एक्चुअली मैंने इसको आंसर जो है वो मेरा 2 और 3 लगाया, लेकिन वो गलत था और मैं ये वाला रूल भूल गया कि साइंस में यूजली ऑल ऑफ द अबाउ जो है वो आंसर होता है, और इसमें करेक्ट आंसर जो था वो आपका डी था, और एक्चुअली लिपस्टिक में जो है वो लिड यूज होता है। जो भी लोग लगाते हैं उन लोग अगेन थोड़ा सा इससे सावधान रहिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और क्वेश्चन नंबर 24, अगर आप थोड़े से टेक्नोलॉजी के पाबंदे हो या टेक्नोलॉजी के बाशिंदे हो, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, मुझे मजा भी आया क्योंकि मैंने OLEDs वगैरह जो है वो पढ़े हुए थे, एंड अगेन जितने भी आपके स्टैंडर्ड जो भी आपके मैगजीन थे जैसे विजन वगैरह था, लोगों ने उसमें पढ़ लिया था इसको कि OLEDs काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे थे। ओके, तो ये OLEDs क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले ऑफ मेनी डिवाइसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो एक तो साइंस का आपको बेसिक याद रखना है, ऑल ऑफ द अबाव उसमें आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम आंसर होगा, और इसका आंसर वही था ऑल ऑफ द अबाव। इसमें एक्चुअली OLEDs जो है वो आपका फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बनता है, क्या आंसर इज यस। आपने देखा होगा उस टाइम पे कर्वी मोबाइल आए थे जैसे कि सैमसंग का आया हुआ था, या फिर कर्वी आपके टीवीज वगैरह आए हुए थे। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द OLEDs। ओके, रोल अप और रोल डाउन भी होता है इनका, ये आपके ऊपर आके नीचे भी जाते हैं, ऐसा भी होता है इनका। एंड ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले जो अभी आपने बड़े बड़े मूवीज में वगैरह देखा होगा उसमें ये होता है, वही आपका होता भी है। ओके, तो ये एक तो हिंदू ने ये गैजेट्स में इसको कवर किया हुआ था, और बाकी आप लोग देख सकते हो ये आपका कैसे एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है जिसमें OLED की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि आप इसको देख रहे हो, और ये आपके जितने भी ऐसे फोल्ड वगैरह हो पा रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ OLED ओनली। ओके, तो ये मुझे पता था और मैंने इसका आंसर जो है वो राइट लगाया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता था, और जो भी बचपन में हमको मंत्र वगैरह जो सिखाए हुए थे उनका कहीं ना कहीं फायदा हुआ। तो आपको पता होगा, एक मैं जब छोटा था तो एक मंत्र पढ़ता था कि उज्जनीयम महाकालम ओमकारे, ऐसे मैं कुछ तो एक मंत्र बोलता था, अभी मैं भूल गया, तो उधर से मुझे पता था। और दूसरी बात, मैं उज्जैन का जो कुंभ मेला था तो उसी टाइम पे 2016 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में हुआ था, मैं उस टाइम पे उज्जैन के कुंभ मेले में गया हुआ था, तो वहां पे मुझे पता था कि ओमकारेश्वर जो है वो मेन महादेव का मंदिर है, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो ओमकारेश्वर में आते हैं। मैं बोला सन भगवान का तो ये टेम्पल नहीं है, जैसे ही मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ उसके बाद में मेरे पास में एक ही आंसर बचता है, वो है वन ओनली, और ये है अरसावली, और ये अरसावली आपका आता है आंध्र प्रदेश में। अमरकंटक भी आपका अगेन सन टेम्पल में नहीं आता है, इतना सिर्फ याद रखिएगा। ये सब के सब आपके इंडिया ईयर बुक में दिए हुए हैं, 2020 के ईयर बुक में भी दिया हुआ है, और उस टाइम पे इंडिया ईयर बुक जो 2017 की हुआ करती थी उसमें भी दिया। तो उसमें से गाइज आज आप सबके लिए एक असाइनमेंट है चैप्टर नंबर 30 पढ़ लीजिएगा, खास करके उसके टूरिस्ट प्लेसेस, बिकॉज आपके आर्ट एंड कल्चर में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो उसके टूरिस्ट सेंटर्स में अच्छे से उन लोगों ने दिया हुआ है कि ये कहाँ पे है करके, तो ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक वगैरह ये आपके होली सिटीज जो है इनको लिया हुआ है। एंड थोड़े बहुत आपको पता चल जाते कि इनके मेजर फेस्टिवल कौन से हैं किन-किन स्टेट्स के, तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का पूरा इंफॉर्मेशन दिया, उनके पॉलिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उनके टूरिस्ट सेंटर्स का इंफॉर्मेशन दिया है, उनका और कोई मिशन वगैरह इन लोगों ने लॉन्च किया उसका इंफॉर्मेशन दिया। तो इंडिया ईयर बुक से ऐसे कुछ आप लोग जो है वो गिने चुने चैप्टर जो है वो आप लोग पक्का से पढ़ सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और क्वेश्चन नंबर 26 आपका बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये गलत करना मतलब मौत को दावत देना है। सिंपल है, इन इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट द एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल वोट। तो आप लोग फर्स्ट पोस्ट द पास्ट लाइन जो है उसको आप लोग भूल चुके हो। ओके, आपको पता होगा हम लोग FPTP या फिर सिंपल हम लोग सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद में आपका आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी ऑफ द पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर जो है वो आपकी ओपोजिशन को जाती है। भैया गलत है, ये ऐसा आप लोग जो है वो कन्वेंशन फॉलो करते हो, लेकिन कहीं पे भी लिखा नहीं कि डिप्टी स्पीकर की पोजीशन जो है वो हर बार ओपोजिशन को ही जानी चाहिए। ओके, एंड अगर ये सब आपको चीजें क्लियर नहीं है तो आपको अपना पॉलिटी जो है वो अच्छे से कवर करना चाहिए।
ओके और पॉलिटी आप लोग जो अगेन मैं आपको बताता हूँ नीरव दा चैनल पे आप लोग जाके कवर कर सकते हो या आपका लक्ष्मीकांत जो अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 क्यों पूछा गया, बिकॉज 1991 और 2016 में हुए थे आपके 25 साल पूरे, तो इस पे कोई ना कोई ये क्वेश्चन जो है वो इवन मेंस में भी एक्सपेक्टेड था कि 25 साल आपके लिबरलाइजेशन के हो गए हैं, बताओ भैया क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अब इसमें यूजुअली हम लोग जो है वो एक्सट्रीम वर्ड्स तो उड़ाते ही हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, भैया ये तो आपको पता है गलत ही है। ओके इनफैक्ट एग्रीकल्चर का शेयर जो है बहुत ज्यादा गिर चुका है, आप लोग डी और ए को तो हटा दोगे, अब आपके पास में 2, 3, 4 and 2, 3 बचेंगे, इसका मतलब 2 और 3 तो आपके ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए। अब फोर्थ पे आपको डिसीजन लेनी है, इंडिया फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली। तो एक तरफ यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट करो, लेकिन एक्सट्रीम में यहाँ पे आपने एलिमिनेट किया है, लेकिन ये एक्सट्रीम को आप एलिमिनेट नहीं करने वाले हो, रीजन बीइंग एक्चुअली इनॉर्मसली बढ़ा हुआ है। अब देखो आपका इकोनॉमिक सर्वे अगेन आपको डेटा देता है 2015-16 का, उसमें बोलता है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो एक हार्डली 23,000 करोड़ रुपए या 24,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, वही आपका 24 लाख करोड़ का हो गया है। मतलब आप सोचो लगभग 21 लाख करोड़ का हो चुका है, लगभग आपका ये नो 100 गुना ये जो है वो बढ़ चुका है, तो 100 गुना बढ़ गया मतलब इनॉर्मसली हो गया ना। तो यूपीएससी ने भी इसका इंटरप्रिटेशन उसी तरीके से लिया और फाइनल आंसर इसका 2, 3, 4 जो है वो दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का बोलना है कि नहीं सिर्फ 2 and 3 होगा क्योंकि इनॉर्मसली बोल रहे हो आप, एक्सट्रीम वर्ड वगैरह हो रहे हैं, बट एक्चुअली एक्सट्रीमली इंक्रीज जो है हुआ था। आपको पता होगा 1991 में खाने के लाले पड़ रहे थे, हमारे खाने के लाले पड़ रहे थे, इनफैक्ट हम लोग इसीलिए तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो ली थी। तो ये 27th क्वेश्चन, आते हैं 28th क्वेश्चन पे, और 28th क्वेश्चन अगेन अगर आपको जहां से भी साइंस सीख रहे हो उन लोगों ने आपको अच्छे से सिखाया होगा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो आपका रिप्रोडक्टिंग क्लोनिंग ऑफ एनिमल उसी पे यूज होता है। ये अगर आप मैं से पूछो सोर्स कहाँ है, तो अगेन इसकी न्यूज जो है काफी चल रही थी, 2016 का है जिसमें इन लोगों ने बोला हुआ था कि हिसार इंस्टीट्यूट जो है इट बिकम्स द सेकंड सेंटर टू क्लोन द बफेलो, और ये बफेलो को क्लोन करने के लिए इन लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी, इन्होंने यही वाली आपकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आता है वो है ये। अब एक और चीज यहाँ पे सोचिए, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, आप न्यूक्लियर ट्रांसफर करना चाहते हो उसमें प्लास्टिक का क्या करोगे आप लोग, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उसको तो आप उड़ा ही सकते हो। उसके बाद में यू नो मे बी आप यहाँ पे सोचो कि प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिसीजेस, मे बी आप ऐसा सोचो, और उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ बायो अल्विराइडिस, तो ये अगेन अपने को पता ही नहीं है तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट अगेन इन सब में आपका राइट आंसर जो वो सी आएगा, अगर थोड़ा लॉजिक यूज करो तो भी आपको राइट आंसर जो मिल जाने वाला। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, और 19 आपका अगेन एनपीसीआई रिलेटेड क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, आंसर इज यस, और उसके लिए रुपए पे कार्ड भी इन लोगों ने जो है वो लॉन्च किया हुआ था, तो दोनों भी आंसर करेक्ट है और इसका आंसर जो है वो बनता है बोथ, बहुत ज्यादा चर्चा में था एंड इनफैक्ट सारे मेजर मैगजीन ने इसको कवर किया हुआ था, तो अगेन और सारे न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत बार ये चर्चा में था, तो इसको तो कवर करना जरूरी ही था, तो अगर नहीं करते थे तो ये पाप हुआ करता था। अगर आपको अगेन वापस रिमाइंडर दे दूं, अगर आपको ये सब चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं, स्टिल यू कैन गो टू माय बैंकिंग लेक्चर, उसमें मैंने ये सब सिखाया हुआ है। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और क्वेश्चन नंबर 30 आपका शंकर में भी कवर्ड था। ओके तो जो लेटेस्ट एडिशन आई थी ना 2016 की, तो कुछ लोगों के पास में 2015 की थी, कुछ लोगों के पास में 2016 की थी, तो शंकर आयस जो है वो इसीलिए जितनी लेटेस्ट हो सके उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। रीजन क्या है, क्योंकि एम स्ट्राइप्स आपका 2015 के एडिशन में कवर्ड नहीं है, पर 2016 के एडिशन में कवर्ड था, और ये 2017 में आपका क्वेश्चन आया है, रीजन बीइंग एम स्ट्राइप एक्चुअली 2016 में ही जो है वो लॉन्च हुआ था, आपका सितंबर के महीने में लॉन्च हुआ था, और जो 2016 की अपडेटेड जो शंकर आयस आई थी, ओके तो वो आपके 2017 में फिर उसमें एम स्ट्राइप कवर्ड था और उसमें बताया हुआ था। बाकी अगर तो आप थोड़ा सा नाम से भी जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो है वो बी क्यू होगा। एम स्ट्राइप्स कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको टाइगर जैसा थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है, ओके तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बी भी लगा सकते हो कि एम फॉर मेंटेनेंस एंड मे बी टाइगर्स रिजर्व वगैरह ऐसे कुछ, आप मैंने तो भी ऐसे ही लॉजिक लगाया और इसका आंसर फिर आपका यही बना। ओके और मैंने इसको एक्चुअली याद ऐसे ही किया था शंकर आयस पढ़ते टाइम में भी। तो ये था आपका 30th क्वेश्चन, आते हैं हम लोग अब 31st क्वेश्चन पे,
31st क्वेश्चन उस टाइम पे जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसका शुरू हो रहा था, ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आने वाला था उस पे, क्योंकि 2017 में और खास करके जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होने वाला था, ये उन लोगों ने ऑलरेडी बात बता दी थी, और यूपीएससी की एग्जाम होने के पहले ऑलरेडी 2017 में ऑलरेडी इधर ये सब हो चुका था आपका, मतलब अमेंडमेंट वगैरह आपकी पूरी पूरी हो चुकी थी और आपको पता था कि ये होने ही वाला है करके, तो इसलिए यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा और उस पर पूछा आपके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। अगेन एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान दो, यहाँ पे बोल रहा है इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, टू को फट से उड़ा दिया आपने, टू को उड़ाते ही आपके पास में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन, वन ओनली या फिर वन एंड थ्री ओनली, मतलब वन आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस, वैसे आपको पता ही है कि ये एक्चुअली कर रहे थे हम लोग। दूसरा है इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी, अगेन इसको उड़ाने की जरूरत है और आपके पास में एक ही ऑप्शन बचेगा वो है वन ओनली। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका वन ओनली आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अगेन अगर आप लोग अपने न्यूज़पेपर को अच्छे से कवर कर रहे हो या फिर अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस सही बंदे से सीखा हुआ है, मैंने इनफैक्ट मेरे आईआर सिखाते टाइम में ऐसा बोला हुआ था कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको मैं बोलता हूँ लवलेस अरेंज्ड मैरिज। ओके, लवलेस अरेंज्ड मैरिज, और मैं इसमें जोक मारते मारते मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता था कि सिंस ये लवलेस अरेंज्ड मैरिज है इसलिए यहाँ पे बिटिया नहीं हो पा रही है, ऐसा मैंने उनको याद करवाया हुआ था। और मैंने 2017 में जो पॉलिटिकल साइंस की बैच वगैरह ली हुई थी और मैंने खुद ने भी इसको खुद के लिए ऐसे ही याद करके रखा हुआ था कि भैया ये ऐसा ही है कि क्या है बीटीआईए, मतलब क्या कि बिटिया नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि इंडिया ईयू की रिलेशन जो है वो लवलेस अरेंज मैरिज है और उस पर कब से चल ही रहा था, ये है आपका बीटीआईए और इसका राइट आंसर भी आपका यूरोपियन यूनियन ही है। अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा और आप लोग कभी भूलने वाले नहीं हो, बशर्ते आप मेरे जैसे किसी बंदे से आईआर सीख रहे हो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और ये तो उस टाइम पे चल ही रहा था, अगेन न्यूज में सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है, सारे मैगजीन ने कवर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है, अब उसकी एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है वो, ये कब फोर्स में आया हुआ है। ओके, तो जितने लोगों ने पढ़ा है उन सबको पता था कि ये 2017 में जो फोर्स में आया हुआ था, क्यों? क्योंकि अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लीगली वेटेड पैक्ट ऑन द सर्विस टेबल एक्ट, और ये आपका 2017 में। ओके, तो फरवरी 2017 में जो फोर्स में आया हुआ था, हम लोगों ने इसको रेटिफाई वगैरह कर लिया, जैसे ही हमने रेटिफाई किया तब ये फोर्स में आ चुका था। तो ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है वो डब्ल्यूटीओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने डब्ल्यूटीओ पे भी यू नो अनअकैडमी पे लेक्चर्स लिए हुए हैं, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए वो। तो अगेन इसका राइट आंसर वन एंड टू लिया था, बिकॉज थ्री को आप जैसे ही एलिमिनेट करते हो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है और बाकी सारे के सारे सही हैं, क्योंकि टीएफए इज पार्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओस बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज 2013, आंसर इज यस। उसके बाद में आपका इंडिया हैज रेटिफाइड, अगेन आंसर इज यस, और इंडिया के रेटिफाई होते ही इनफैक्ट ये फोर्स में आया था और इंडिया ने रेटिफाई इसको फरवरी 2017 में किया था, तो इसलिए इसको पढ़ना जो है वो थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। ओके, तो ये था आपका 33rd क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 34th क्वेश्चन पे, जो कि आपका छाबार कोर्स है। बच्चे बच्चे को पता है, जिसने भी यू नो यूपीएससी के अगर आप थोड़े से भी सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको पता होगा छाबार पोर्ट जो है वो अपने को क्या करके देने वाला है। मेनली ये आपको अफगानिस्तान में एक्सेस जो है वो देगा, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया में। करेक्ट आंसर इसका बनता है आपका सी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा आपका कि छाबार पोर्ट से हम लोग अब क्या करेंगे, छाबार पोर्ट तक भेजेंगे, उसके पास में ग्वादर पोर्ट भी है, उधर से हम लोग ये अफगानिस्तान में कोई भी माल भेज सकते हैं, उसके अलावा सेंट्रल एशिया में हम लोग भेज सकते हैं। यही है आपका छाबार पोर्ट का फायदा। 35th क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन आपका साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है और थोड़ा सा साइंस में अगेन ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आता है, इसलिए राइट आंसर इसमें ऑल ऑफ द अबव ही है। सबको लीगली मैंडेटरी है और ये अब आप इसको कुछ पूछो कि सर इसका सोर्स क्या था, एक्चुअली इसका सोर्स 2013 के रूल्स थे। ओके, तो जैसे ही आपको पता है हमारे पास में आईटी एक्ट है, तो आईटी एक्ट के अंडर में साइबर सिक्योरिटी की 2013 में रूल्स बनाए हुए थे, उस रूल्स के अंडर मैंडेटरीली बोला हुआ है कि आपको ये जो है इन सबको आपके साइबर सिक्योरिटी को देना होगा। बाकी उस टाइम पे एक और न्यूज जो वो चर्चा में चल रही थी वो है आपका यू नो जो नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है, ओके, किंग गोंग गुन जो भी है, तो उसके ऊपर जो है फनी मूवी बनी हुई थी आई थिंक इंटरव्यू नाम की। तो उन्होंने क्या किया था, इनका पूरा हाईजैक वगैरह कर लिया था और उनका यू नो डेटा सर्वर्स पे वगैरह। तो ऐसे कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट होते हैं तो थोड़ा बहुत ये चर्चा में चल रहा था, बट इतना डिटेल में नहीं चल रहा था। तो ये आपका 2013 के रूल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, और इसका आंसर जो है वो आपका बनता है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे लोगों ने सर फोड़ दिए एक दूसरे के, बोले यार नहीं ये तो लीगल राइट ही है, यू नो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, कोई बोल रहा है भैया एनसीईआरटी में देखो। तो एक्चुअली दोनों भी आंसर जो वो करेक्ट है, ये यूपीएससी का ब्लंडर है।
राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड जो है एक्चुअली आपका लीगल राइट है, जो आपका नोटा की जो जजमेंट है ना 2013 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है इट्स अ लीगल राइट करके. ओके, लेकिन आपके एनसीईआरटी जो है वो क्लियरली आपको बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की क्लास 9th की एनसीईआरटी है और इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है, बट राइट टू वोट, एक मिनट यहीं कहीं लिखा है मैंने. So, also right to not limited to fundamental. हाँ ये रहा last line. Right to vote in elections is an important constitutional right. तो आपके fundamental right नहीं but it's a constitutional right, ऐसा आपकी democratic politics की class 9th की NCERT जो हो बोलती है. तो UPSC बोली जब आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और एनसीईआरटी में जब लड़ाई हो रही है तो आप लोगों का जो है वो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और एनसीईआरटी की विजय हुई उसमें फाइनली. ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो बनता है आपका सी. आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे. क्वेश्चन नंबर 37 आपका, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, और 37 जो है वो आपसे पूछ रहा है लेजर इंटरफेरोमीटर के बारे में. गाइज अगर आप थोड़े से भी सीरियस कैंडिडेट हो अगेन तो आपको पता होगा लेजर इंटरफेरोमीटर जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए हम लोग बना रहे हैं. ओके, अलग अलग जगह पे हम लोग लीगो का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, लीगो का फुल फॉर्म क्या है, अगेन लेजर इंटरफेरोमीटर. और इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर फिर किस लिए होगा गाइज, सिंपल आंसर लगता है उसका, एलिसा का आंसर वो है आपका बी. ओके, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आप पढ़ के थोड़ा बहुत अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप लोग इसका आंसर जो वो लगा सकते थे. तो ग्रेविटेशनल वेव्स उस टाइम पे काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे थे, 2016 में इसको हम लोगों ने डिस्कवर किया था अगेन थ्रू ब्लैक होल्स वगैरह, और ये बहुत ज्यादा हिट जो है वो इशू था. तो 100 इयर्स अगो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको प्रेडिक्ट किया था. तो ऐसे क्वेश्चन जो वो यूपीएससी जो है वो आपसे पूछ रही है. ओके, तो इसके लिए इसका आंसर करेक्ट क्या होता है, वो होता है आपका बी. ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की. क्वेश्चन नंबर 38 आपका विद्यांजलि योजना से रिलेटेड है. गाइज अगेन आप लोग अगर सीरियस कैंडिडेट हो आप लोगों ने ये सारी योजनाएं जो वो कवर कर ली होगी. तो अगर आप लोग चाहते हो, ओके, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम्स जल्दी ही शुरू करने वाला हूं, मैंने पिछली बैच पे हमारे करंट अफेयर्स के शुरू किया हुआ था. अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट स्कीम्स भी हो, आपको रूल पता है एटलीस्ट 50 कैंडिडेट्स ने बोलना होगा कि गवर्नमेंट स्कीम जो है वो सबके लिए ओपन, यूट्यूब पे जो है वो डालो, तो ही मैं जो है वो डालने वाला हूँ. तो गवर्नमेंट स्कीम्स में विद्यांजलि योजना आपकी लॉन्च हुई थी उस टाइम पे, और ये विद्यांजलि योजना आप लोग देख सकते हो उस टाइम पे 2016 के पीरियड में इसको लॉन्च किया हुआ था. तो इसका सिर्फ एक ही एम था, वो था सेकंड, दैट इज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग अप द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी. जितने यू नो करंट अफेयर्स के मैगजीन थे जहां पे उन लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स कवर किए थे, सबने इस योजना को ऑलरेडी कवर किया हुआ था. तो विद्यांजलि योजना बेसिकली, और मैं ये पर्सनली मतलब ज्यादा मुझे ये अच्छी भी लगती थी क्योंकि मैंने एक्चुअली ये काम किया हुआ है. मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो जाके सिखा चुका हूँ बच्चों को, और वो प्राइवेट कम्युनिटी जो है वो यू नो अपने सैटरडेज या संडेज या और मे बी फ्राइडेज वगैरह जो है वो दे सकते हैं. तो यही है आपकी विद्यांजलि योजना, और इसका राइट आंसर आपका बनता है ए. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अगेन आपका स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये वाली स्कीम भी सारे के सारे मैगजीन्स ने कवर की हुई थी गवर्नमेंट की. तो ये क्या है, उन्नत भारत अभियान, और उन्नत भारत अभियान आपका रिलेटेड है कनेक्टिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस द डेवलपमेंटल चैलेंजेस थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज. ओके, तो ये आपका उन्नत भारत अभियान रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगेन ये उन्नत भारत अभियान आपका न्यूज में चल ही रहा था, 2015 में इसको लॉन्च किया हुआ था और ये इंप्लीमेंट हो रहा था अलग अलग जगह पे. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है. अगेन गाइज इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करता है करके. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी, गलत. फर्स्ट आपने उड़ा दिया, आपके पास में एक ही आंसर, दो तीन आंसर बचते हैं, 2 only, 3 only या फिर 2 and 3 only. यूनियन मिनिस्टर डिसाइड करती है क्या इलेक्शन कब होंगे, तो आपको पता है कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है. जैसे ही आपने 2 को हटाया आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 3 only. आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, बट बिफोर दैट गाइज अगर आप लोगों को आप चाहते हो कि आपका पॉलिटी थोड़ा सा वीक है बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन एंड यू वॉन्ट टू कवर इट, देन गाइज हम लोगों ने नीरव दा चैनल पे ऑलरेडी मेरे
क्वालिटी के 15 लेक्चर्स जो वो अपलोड किए हुए हैं, इन डिटेल मैंने सब कुछ जो वो सिखाया हुआ है। तो जो मैंने हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच थी उसको जो सिखाया हुआ है वही आपके लिए भी अवेलेबल है, आप लोग वहां पे देख सकते हो। नो डाउट थोड़ा सा उसमें हमारा जो क्लास में जो चीजें चलती है हंसी मजाक वगैरह वो सब भी इंक्लूडेड है, बट आप लोग थोड़ी सी फास्ट स्पीड पे इसको फटाफट कवर कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे सारे के सारे अपडेटेड है वहां पे, आप लोग देख सकते हो उसको, और ये नीरव दा यूपीएससी एमपीएससी चैनल पे आपको मिलेगा। आपको उसको सब्सक्राइब करके आप सीधा इतना ही ढूंढिए एमपीएससी यूपीएससी या सिर्फ यूपीएससी पॉलिटी बाय अरविंद राजपुरोहित, आपको ये लिस्ट जो है मिल जाएगी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे, और क्वेश्चन नंबर 41 अगेन आपके लक्ष्मीकांत से ही है, तो शंकर आईएएस से है, शंकर भगवान की जय हो। उसमें क्लियरली बोला हुआ है आपका ये वाइल्ड लाइफ, आपको पता होगा एक्ट्स और लेजिस्लेशन वगैरह आपके बताए हुए हैं, तो उसमें से वन ऑफ द एक्ट जो है वो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। उसके कितने शेड्यूल्स है, क्या शेड्यूल्स है, सब कुछ उसमें अच्छे से बताया हुआ है। उसको अगर आपने अच्छे से कवर किया, और अगर यहाँ पे दिया है कि शेड्यूल 1 जो है अगर उसमें किसी प्राणी को रखा हुआ, इसका मतलब क्या है, उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब क्या, टाइगर को हम लोगों ने हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन देके रखा हुआ है, वैसा ही इवन टॉर्टोइज को भी मिलेगा अगर उसको शेड्यूल 1 में रखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है वो है ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, और क्वेश्चन नंबर 42 आपका जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। अगेन गाइज सिंपल क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि जुडिशरी की पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वगैरह जो है वो चैलेंज कर सकती है, यही है जुडिशियल रिव्यू की मेन पावर। तो देखो जुडिशियल रिव्यू का हम लोग देख रहे हैं, 2018 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू का चैप्टर आप लोग लक्ष्मीकांत में अच्छे से कर ही लीजिए। वैसे ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने इस पे सीधा छक्का ही मारना था। ओके, एंड वापस याद दिला दूं, अगर नहीं हुआ है आपका तो आप लोग यहां से इसको कवर कर सकते हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 आपका रिलेटेड है, ये इजी क्वेश्चन है, लोग इसको भी डिफिकल्ट मान बैठे। अरे भैया आपको पता नहीं क्या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सबसे पहले यही होगी ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका, जो आपको पता होगा कि हम लोगों ने दो मूवमेंट लॉन्च किए थे, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और हमारा एक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसके बाद में जो सॉल्ट सत्याग्रह वगैरह हुआ था उसके बाद में आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये आप लोग इतना तो लगा ही सकते हो कि 3 पहले आएगा। अब उसमें आपको ये नहीं पता है कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी 1942 में हुई है और म्यूटिनी जो है वो एकदम एंड में मतलब 1946 के पीरियड में हुई है, इतना तो आप लोग लगा ही सकते हो। और राइट आंसर फिर आएगा आपका 3, 2, 1, और ये यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट साल भी आपको दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये जिसने गलत किया है या गलत कर रहे हैं तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, और क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू, मतलब आपका बेसिकली अब अगेन थोड़ा सा ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, और ये ट्रेंड कहां से पूछा है, इन्होंने पूछा है इकोनॉमिक सर्वे से। तो इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 का अगर आप देखो, इसमें दोनों भी ट्रेंड दिए हुए हैं कि ग्रॉस टैक्स और फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी दोनों भी आपका यहाँ पे बोला हुआ है। और आप ट्रेंड देखो, कहीं पे भी आप पिछले 10 सालों से लगातार कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो लगातार कुछ भी नहीं है। तो यहीं पे आपसे यूपीएससी पूछ रहा है, टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ऑफ द इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड, आंसर इज नो। The fiscal deficit of the as a percentage of GDP of India has steadily increased, again answer is no, right answer is D। इसलिए economic survey और उसके थोड़े से trend जो है वो देखना जरूरी अपने लिए बन जाता है कभी, क्योंकि अगर यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो अपने को रफ रफली याद आना चाहिए। आता है क्वेश्चन नंबर 45 पे, और क्वेश्चन नंबर 45 आपका रिलेटेड है लायंस के। तो लायंस को एक्चुअली आपको पता है कि गिर के जंगलों में ये लायंस पाए जाते हैं, इनको उस टाइम पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी एमपी में शिफ्ट करने के लिए। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है पहले भी मोदी जी के टाइम पे भी नहीं एग्री हो रही थी और बाद में भी एग्री नहीं हो रही थी, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला वगैरह गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भेज दो वगैरह वगैरह, तो ये सब इश्यू चल ही रहे थे। लेकिन कहां भेजना था, ये भेजना था आपको कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज सोचो ना कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका थोड़ा सा ऊपर में आता है, वहां पे आपके गिर में मतलब थोड़ा सा यू नो डेजर्ट वाला एरिया है आपका, और उधर के लोग उधर का प्राणी जो है वो कैसे आपका इधर सस्टेन करेगा, ये आप लोग मना कर सकते हो। और ये सब आपका मे बी सरिस्का एंड कूनो में वगैरह थोड़े से कंफ्यूज हो, मुदुमलाई तो अगेन आपका बहुत नीचे आता है वहां पे भी नहीं करेगा, हुआ तो भी आप लोग पास में भेजने की कोशिश करोगे, ये दो ऑप्शंस आपके बचते हैं। बट जिन जिन लोगों ने उस टाइम पे अच्छे से ये सब हिंदू विंदू कवर किया था उसमें क्लियरली बोला होता है, 2016 की न्यूज है जिसमें इन्होंने बोला है कि एमपी सीक्स इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द एशियाटिक लायन फ्रॉम द गुजरात, तो ये आपका कहां भेज रहे थे, उसी आर्टिकल में लिखा है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, और क्वेश्चन नंबर 46 आपका बोलता है प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेम होने के बाद में क्या क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा, ये तो आपका सही है। ओके, ये आपका सही है, लेकिन आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है
वो डिसॉल्व होगी क्या, आंसर इज नो, अगेन डिपेंड करता है, आप उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकते हो या लोकल बॉडीज को आप लोग क्यों करोगे, तो नॉट नेसेसरली कौन सी चीजें होंगी वो आपका 1 और 3 आंसर में आता है। अगेन आप लोगों का पॉलिटी का बेसिक्स है ये, अगर आपका कवर नहीं है आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कितना ही, मतलब यहाँ पे लोगों को लगा यार ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में सारे के सारे राइट्स हमारे आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन करके रखा है आपके राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 21A और 22 ही आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ दो ही राइट्स आते हैं, 23 एंड 24। ये इंडेक्स लाया हूं मैं सिर्फ प्रीएम्बल का, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो ही आपके राइट्स आते हैं और वही आंसर यूपीएससी ने यहाँ पे दिया भी है, 1 और 4 ओनली। लोगों को लगा यार नहीं 1, 2, 3, 4 सब सब जो है वो आएंगे आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, बट इसमें से कुछ भी आपका नहीं आता है। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, और क्वेश्चन नंबर 48 अगेन आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा भी अगर आपने मैप्स अच्छे से पढ़ के रखे हैं, एटलस पढ़ के रखा है, तो आपको पता होगा ग्रेट निकोबार के नियरेस्ट आइलैंड कौन सा आता है। नियरेस्ट आइलैंड आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये आपका ग्रेट निकोबार है और उसके पास में सबसे पहले कौन सा आता है, वो आता है सुमात्रा ना कि बोर्नियो। तो यहां पे देखो श्रीलंका आप हटा सकते हो, आप कंफ्यूज रहोगे सुमात्रा बोर्नियो या फिर जावा में, तो ये आपको पता है कि जावा स्ट्रेट वगैरह जो है थोड़ी सी दूर है, ये हटा दो, सुमात्रा एंड बोर्नियो है, सुमात्रा सबसे पास में है, बोर्नियो गया, आपका एक ही आंसर आता है वो है सुमात्रा। ओके इसलिए ट्रैवलिंग मुझे थोड़ा सा हेल्प करती है, मैं यहाँ नहीं गया हूं बट कभी ना कभी जाने की इच्छा रखता हूं इसलिए याद करके रखा है कहां जाना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, और क्वेश्चन नंबर 49 आपका कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। लोगों को लगा कि इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, लेकिन करेक्ट आंसर यूपीएससी ने भी यही दिया और मैंने भी यही लगाया था, इट वॉज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ आपको। ओके कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर जो है 49 का, होम पे ही देखते हैं हम लोग 49 का क्या है। 49 का आपका आंसर जो है वो है दिया हुआ है सी। ओके 49 का आंसर सी दिया हुआ है गाइस, तो अगर हम लोग अब देखें तो इसका फिर सी आंसर जो है वो आपका आना चाहिए। मुझे लगा ये थोड़ा सा गलत है, बट इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। तो यहाँ पे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मैंने इंक्लूडिंग मैंने इसका आंसर जो है वो बी दिया था। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये मैंने भी लगाया था और मेरा भी ये जो है वो गलत हुआ और फाइनल आंसर जो है इसका यूपीएससी ने भी सी दिया हुआ है। अब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी थी कि बी दें या सी दें, बट यूपीएससी जो यूपीएससी बोलेगी वही इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर इसका सी है। आई एम सो सॉरी, इसका राइट आंसर सी है। लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 आपका इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड है। अगेन बच्चे बच्चे को पता है कि फेडरलिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है, इट इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। सिंपल है ये वाला आंसर। आपको पता है दो टाइप के फेडरल सिस्टम होते हैं, एक आपका सेंट्रिफ्यूगल होता है, दूसरा आपका सेंट्रिपिटल होता है। ये सब आपको पता ही है, नहीं पता है वीडियोस देख लीजिए पॉलिटी के, उसमें आपके सब कवर हो जाएंगे। 15 लेक्चर्स हैं, इसमें सारे आपके बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बेसिक फीचर, फंडामेंटल राइट, उसके बाद में डीपीएससी, सब कुछ मैंने अच्छे से लिया हुआ है। आगे आते हैं, सिंपल है इन सबका कंक्लूजन क्या है। तो गाइज मेरे स्लाइड्स अच्छे से कीजिए, बाकी जो मैं आपको बेसिक चीजें बोल रहा हूँ उनको अच्छे से कीजिए, अरविंदा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको ये स्लाइड जो है ये एज इट इज मिल जाए और आप लोग इसको यूटिलाइज कर सको अच्छे से। ओके बाकी नीरदा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और वहां पे आप लोगों को उनके प्लेलिस्ट में मेरी सारी की सारी जो पॉलिटिकल लेक्चर्स वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। बाय, बाकी गाइज आपको याद दिला दूं हमारा ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव